अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ इट्स टाइम टू योर साइंस क्लास। ओपन योर साइंस बुक्स पेज 34, पेज नंबर 34। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डिफरेंट एनिमल्स। ओके, पर डेट टुडे 17 अप्रैल। दिस इज योर सी डब्ल्यू। व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज सैटरडे। ओके, आप लोग ये डेट मेंशन करनी है और टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स। ओके, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल। जंगली जानवर वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट्स प्लांट्स। बहुत से जंगली जानवर पौधे खाते हैं। सम ईट्स अदर एनिमल्स, और कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे रैकून, ये भी एक जंगली जानवर है, ये दूसरे जानवरों को खाता है। और क्रोकोडाइल, ये भी शिकार करके दूसरे जानवरों को खाती है। ओके, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मुर्दा गोश्त खाते हैं। जब कोई जानवर मरा पड़ा होता है ना, तो वो जाते हैं और उनको खाते हैं। ऐसे जानवर जो मुर्दा गोश्त खाते हैं, मरे हुए जानवर का गोश्त खाते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ओके स्टूडेंट, सच एज हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर्स। हाइना भी एक एनिमल का नेम है। ओके, ये वो ये जंगल में रहता है, और ये इसको लगड़ भगा भी बोलते हैं, और ये मुर्दार गोश खाता है। वाइल्ड डॉग, जंगली जो होते हैं डॉग्स वो, एंड वल्चर्स, गिद्ध, ईट डेड एनिमल्स, ये इनके नेम्स हैं। ये क्या खाते हैं? ये मुर्दा गोश खाते हैं। दिस इज वल्चर। ओके, दिस इज वल्चर। अब आपको मैं एक बताती हूँ। डू कैमल स्टोर फूड और वाटर इन देयर हम्प्स? नो। जो कैमल के ऊपर हम्प होती है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके अंदर वाटर स्टोर नहीं होता, उसके अंदर होते हैं। द हम्प इज स्टोर फैटी टिश्यूज विच कैमल यूजेज वेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, वो उसके अंदर फैट उसकी स्टोर होती है। जब कैमल को खुराक नहीं मिलती तो वो उसको यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है उस फैट को, और वो उसको एनर्जी उधर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं घर में जो हम पालतू जानवर रखते हैं। सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, टेम, इनके जिनको हम सुधार कर अपने घर रखते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, इनको हम पालतू जानवर बोलते हैं। सम लिव्स इन आवर हाउसेज एज अ पेट, कुछ हमारे घर में एज अ पालतू जानवर रहते हैं। अदर आर कैप्ट ऑन फार्म्स, कुछ को हम फार्म में रखते हैं। दे आल्सो हेल्प अस इन मैनी वेज, ये बहुत से तरीकों से हमारी मदद करते हैं। दिस इज डॉग, काउ, पैरट, गोल्ड फिश, कैट। ओके, पेट्स आर फॉर आवर फ्रेंड्स। ओके, जो पेट्स होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, एंड दे आर यूजफुल टू, और ये हमारे लिए मुफीद भी होते हैं। कैट चेज्ड माइस अवे। ओके, जब जो कैट होती है, जो कैट्स होते हैं, वो माइस को पीछा करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोग पेज नंबर 35 पर आ जाए। पेज नंबर 35, सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क। ओके, कुछ ऐसे पालतू जानवर होते हैं जो हमें, जिनसे हमें दूध मिलता है, लाइक काउ, काउ से हमें दूध मिलता है, गोट हो गई, बकरी से हमें दूध मिलता है। ओके, मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, शीप, हैन, फिश। ओके, काउ, गोट, हम इनका गोश्त खाते हैं ना। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, they give us eggs, hen, duck, goose, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे हैन का एग खाते हो और डक का भी एग होता है। ओके, दीज एनिमल्स गिव अस सिल्क, वूल, फर एंड लैदर। सिल्क, वूल, फर एंड लैदर, चमड़ा जिनसे हमें मिलता है। सिल्क वॉर्म जो होते हैं, हम सिल्क स्काफ बनाते हैं अपने। काउ की से हमें लेदर मिलती है, तो हम जैकेट, लेदर की जैकेट्स बनाते हैं। शीप की फर से हम वूलन स्वेटर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और इसके वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।